अगर वॉरेन बफेट के पास 50,000 रुपए होते तो इंडिया में वो कौन से कंपनीज चुनते, एग्जांपल के साथ 3 लाइन में बताइए। चैट जीपीटी हिंदी में बोल रहा है। सो वी आस्क्ड चैट जीपीटी कि यार वॉरेन बफेट का जो भी फिलॉसफी है वो आप पढ़ के सीख लो, उसको इंडियन मार्केट्स में अप्लाई करो एंड ऐसे मेट्रिक्स निकालो कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इसको साथ में करते हैं, लेकिन इसमें कुछ न्यूआंसेस हैं। हम एंड में स्क्रीनर भी आपको देंगे जहां से आपको सारे इंडस्ट्रीज और पोर्टफोलियो आप खुद बना पाओगे। एंड याद रहे, हम सिर्फ 50,000 रुपये के साथ करें, 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब, थोड़ा कुछ कमेंट कर दो, बिकॉज मुझे नहीं पता था इसको हिंदी भी आती है यार। शुरुआत करते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, स्टेप 1 2 3। सबसे पहले हमको चैट जीपीटी को ये बताना है कि सारा जो वॉरेन बफेट का इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, चाहे वो इंटरव्यू हो, पीडीएफ्स हो, बुक्स हो, उसको स्कैन और रीड करके उसको एसिमिलेट कर ले। तो हम सबसे पहले बोलेंगे ये नॉलेज आप पकड़ो, उसके बाद आप फिलॉसफी समझाओ कि किस तरीके से और किस नज़रिए से आप कोई भी स्टॉक चुनोगे। तो ये मैं चैट जीपीटी में फटाफट प्रॉम्प्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ बोल रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस, ये बंच ऑफ वर्ड्स लग रहा है मुझे, फोकस ऑन क्वालिटी कंपनीज। हाँ, ये चीज़ है, वॉरेन डजंट इन्वेस्ट इन 100 कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो उसके बेस्ट कंपनीज हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म होराइजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2008 में जो क्रैश आया था आपको याद हुआ होगा, बहुत सारे कंपनीज ऑलमोस्ट जीरो चले गए थे। चलो ऑलमोस्ट जीरो इज एन एग्जैजरेशन, लेकिन बहुत गिर गए थे क्योंकि फियर हैड क्रिपल्ड द मार्केट। इस टाइम पे वॉरेन बफेट ने अपनी तिजोरी खोल के स्टार्टेड बाइंग कंपनीज एट ह्यूज डिस्काउंट्स। इसको वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से जब डिस्काउंट पे कुछ चलता है तब वॉरेन भैया शॉपिंग पे निकलते हैं। उसके बाद कैश रिजर्व्स है, जब कोई 2008 टाइप क्राइसिस आता है या कोरोना क्रैश आता है तो कैश रिजर्व्स हेल्प करता है। 2008 में बैंक ऑफ अमेरिका वाज वन ऑफ द स्टॉक्स जो बहुत गिर गया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट्स द टाइम वॉरेन एंटर्ड। एक और चीज चैट जीपीटी ने बोला जो है, लो डेट होना चाहिए, हाई मार्जिन होना चाहिए और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए। पर आपको लगता नहीं ये सब वर्ड्स हैं यार, ये तो आप कोई बुक में पढ़ लोगे और इट साउंड्स वेरी नाइस, लेकिन स्टॉक तो बताओ, कौन सा स्टॉक खरीदूं? तो इसको जरा क्या करते हैं, इसको क्वांटिफाई करते हैं। चैट जीपीटी को ये बोलते कि ये फिलॉसफी को ना नंबर्स में बताओ, मेट्रिक्स में बताओ, ताकि हम इन मेट्रिक्स के जरिए एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाल पाए। साउंड्स गुड, मैं प्रॉम्प्ट करता हूं फटाफट। चलो नॉट बैड। तो हमारे पास कुछ की मेट्रिक्स आ गए हैं एंड इन मेट्रिक्स के जरिए चैट जीपीटी को लगता है कि वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसमें से 3 मेट्रिक्स या चलो 2 मेट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक था कि पी रेशो लो होना चाहिए। पी रेशो बहुत सिंपली वो प्रीमियम है जो आप अर्निंग्स के ऊपर पे करते हो। तो ज़्यादा पी रेशो मतलब लोग बहुत बुलिश हैं स्टॉक पे, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, उसमें इन्वेस्टर्स को लगता है कि दुनिया भर सब लोग चेंज हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल रूल द कंट्री एंड द वर्ल्ड, तो उसका पी रेशो हाई है। कुछ कंपनीज जहाँ पे लगता है ग्रोथ उतनी होगी नहीं, पी रेशो लो होता है। अब यहाँ पे पी रेशो लो होने का स्क्रीनर डाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग तब काम करता है जब इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हो, यानी कि उसके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। शायद 50 साल या 40 साल पहले ये सच था, लेकिन इंटरनेट के बाद आपको लगता है क्या कि आपके पास एनुअल रिपोर्ट नहीं है, आपके पास न्यूज़ का एक्सेस नहीं है, आपके पास कोई स्क्रीनर का एक्सेस नहीं है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आज जितना कंज्यूमर और एवरेज इन्वेस्टर के पास इन्फॉर्मेशन है, शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 30 साल पहले था ही नहीं। तो शायद तब वैल्यू इन्वेस्टिंग ज़्यादा काम करता था, अभी मुझे लगता नहीं यह करता है। बट एनीवे, ये तो मेरा ओपिनियन है। हम जाते हैं चैट जीपीटी के स्क्रीनर के हिसाब से, लेकिन याद रहे जो भी स्टॉक्स आएंगे उनको खरीदना नहीं, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि चैट जीपीटी कर भी सकता है कि नहीं। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ये चला भी कि नहीं। तो अब मैं स्क्रीन में डाल रहा हूं इसको। अब इंटरेस्टिंगली यहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 28 करोड़ है।
Now we all know with startups, things can get really volatile. तो कोई छोटी कंपनी में शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. एक और मेट्रिक ऐड कर देते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिससे 5000 करोड़ के ऊपर स्टॉक्स ही आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे. तो ठीक है, अब हमारे पास कुछ 12 स्टॉक्स आ गए हैं, काफी मैनेजेबल है, मार्केट कैप भी बहुत हाई है. लेकिन एक और फिल्टर है जो वॉरेन बाबा एक्चुअली यूजेस, कॉल्ड सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. साधारण भाषा में, अगर आपको बिजनेस समझ आएगा तो इन्वेस्ट करने में थोड़ा समझदारी है, बिकॉज आपको इन्वेस्ट करने में थोड़ी समझदारी है क्योंकि आप शायद उनका बिजनेस मॉडल समझ पाओगे. तो इसमें आपको क्या करना है, इंडस्ट्री में क्लिक करके फाइंड आउट द इंडस्ट्रीज यू अंडरस्टैंड. शायद आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको इंजीनियरिंग बिजनेस मॉडल्स समझ आएंगे, समझ आएगा कि वहाँ पे न्यूएंसेस क्या है, क्या सही है क्या गलत है. बिकॉज आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके हिस्सेदार हो, अगर आप बिजनेस ही नहीं समझोगे तो ये कैसा इन्वेस्टिंग हुआ. तो ये रहा वॉरेन बफेट का देखने का तरीका. आप कोई भी इन्वेस्टर को इस तरीके से कॉपी करके उनका पोर्टफोलियो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम है. फर्स्ट, चैट जीपीटी की जो अंडरस्टैंडिंग है उस इन्वेस्टर की, वो गलत हो सकती है. जैसे कि आई डोंट अग्री विद अ फ्यू ऑफ द मेट्रिक्स जो हमने एक्चुअली देखा था, ROCE कैसे यूज हुआ, इंडस्ट्री पी कैसे यूज हुआ, शायद थोड़ा ऑफ था. सेकेंड प्रॉब्लम जो हो सकती है इज दैट कुछ स्ट्रैटेजीज 20-30 साल पहले चलते थे जो अब शायद नहीं चलते. जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग आज के टाइम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री अभी नहीं है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल होता है. एंड शायद एक ही एज रह गया है, पेशेंस. क्या आप कोई हाई ग्रोथ हाई ROCE कंपनी को किसी लो पे खरीद के 10 साल होल्ड कर सकते हो या 7 साल होल्ड कर सकते हो? इन द एंड, चाहे कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो जिसने अपना बिजनेस ग्रो किया है, या कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो लुक्स अमेजिंग, इसमें एक ही चीज कॉमन है कि वो अच्छे कंपनीज को बहुत टाइम तक होल्ड किए. तो आई थिंक आपका फर्स्ट स्टेप, अगर आप एकदम बिगिनर इन्वेस्टर हो, किसी को कॉपी शायद नहीं करना चाहिए, आप एक इंडेक्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो एक मंथली सिप के साथ, 1000 रुपये भी ठीक है, और इसको एक पूरा साल करो. तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहो, स्ट्रैटेजी सीखते रहो. जब आपको समझ आ जाए कि ये स्ट्रैटेजी मुझे पसंद है, और हम काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, तब आप थोड़ा सा पैसा उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके होल्ड करके देख सकते हो कि आप में पेशेंस कितना है. आई थिंक इन्वेस्टिंग का जो शब्द है वो इन्वेस्टिंग मार्केट में नहीं आता है, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ आता है. जिस दिन आपको समझ आ गया कि आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ एंग्जाइटी होता है, कहाँ पेशेंस हो, उस दिन शायद आप अमीर हो जाओगे. लेकिन तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखते रहो, डिफरेंट स्ट्रैटेजी समझो, लेकिन 1000 रुपये के साथ एक इंडेक्स फंड स्टार्ट कर दो, क्योंकि एज ये नहीं है, एज आपका पेशेंस है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हो कि नहीं. अगर आप चाहते हो कि हम किसी लेटेस्ट इन्वेस्टर को करें जो शायद मोमेंटम करता हो, जो शायद इस टाइम में चलता भी हो, तो कमेंट्स में बताइए, आई विल पिक दैट इन्वेस्टर एंड उसका भी पोर्टफोलियो साथ में बना के साथ में एनालाइज करते हैं. आपका कोई ओपिनियन है या आपका कोई स्कैनर है तो अगेन वो कमेंट्स में बताओ, साथ में हम सीख सकते हैं. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लिखो पेशेंस बाप है, एंड कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज बताना. हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Warren Buffett, repurposed shot, Nishita. It's actually Buffett. It sounds very bad though, right? Buffett. Angrej kaise hote hain? Rolling, yeah? Great. Phoebe Buffet thi. Hum Buffet hi bolenge.